In continuation of chapter number 5, surface chemistry, last session we introduced with this catalyst, catalysis, types of catalysis. So, उसी से हम आगे बढ़ते हैं. Important features of solid catalyst. So, दो most important part पढ़ना है, that is called as activity and selectivity. इसके बाद एक दो mark का most important question, shape selective catalysis, that is zeolite के बारे में discussion करना है. So, without wasting much time, let's start with the activity. The activity is the ability of catalyst to increase the rate of chemical reaction. It depends upon the strength of chemisorption. Chemisorption and physisorption ka difference aapko pata hai. So, that is all about your chemisorption word. The catalyst activity increases from group 5 to group 11. Metals with the maximum activity being shown by this group number 7 to 9 of this periodic table. As for example, H2 combined with O2 and form H2O2 in the presence of platinum. Generally, D block elements, bhar ke catalytical activity hai. Make simple sa example, do 21 se 30 jo series puri hai, wo 3D group ki hai. To 3D group ke andar 21 से 30 एलिमेंट के मैं खाली नाम बता रहा हूँ. आप सिंपल सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा. ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटालिटिकल एक्टिविटी देते हैं. फर्स्ट इज स्कैंडेनियम, टाइटेनियम. फाइन, तो फर्स्ट सबसे पहले स्कैंडियम जो है वो छोड़ दीजिए. सेकंड इज टाइटेनियम. टाइटेनियम यूज एज अ कैटलिस्ट. इनफ. सो वेनेडियम वंस अगेन यूज एज अ कैटलिस्ट, V2O5. क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो दिस इज ऑल अबाउट 21 टू 30. ऑलमोस्ट एक या दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक्टिविटी. सेकेंड पार्ट इज सिलेक्टिविटी. आप सभी को पता है कि सिलेक्टिविटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Means you have to select the catalyst to get a appropriate product. Means ऐसा नहीं है कि हैबर प्रोसेस में आयरन की जगह पे प्लेटिनम डाल दिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और कॉन्टेक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के अंदर आपने आयरन डाल दिया प्रोडक्ट बन गया. नो, नेवर. ऐसा नहीं है कोई भी कैटलिस्ट पड़ा कोई भी केमिकल रिएक्शन में डाल दो, कैटलिस्ट का तो काम ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा तो वो उसमें भी बढ़ाएगा नहीं. तो हियर इन केस सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट. आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9 के अंदर, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस और सिन गैस, सिंथेटिक गैस. यस, तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं. देखिए, CO एंड H2 कॉम्बिनेशन आर नोन एज सिन गैस और वाटर गैस. तो तीनों के तीनों इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट सेम है. CO प्लस 3 मोल ऑफ H2, CO प्लस 2 मोल ऑफ H2, CO प्लस H2. बेसिकली CO प्लस H2, दैट इज नथिंग बट सिन गैस. But in equation number 1, we are using nickel as a catalyst to get methane gas. उल्टा बोलिए, जो अगर मुझे methane gas चाहिए तो मुझे किसको select करना पड़ेगा? Nickel catalysis को. In second equation, we are using Cu/ZnO Cr2O3. Cu/ZnO Cr2O3. This catalyst to get methanol. तो अगर आपको मिथेनॉल चाहिए तो आपको कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा? Cu/ZnO Cr2O3. एंड लास्ट इन थर्ड रिएक्शन, इफ वी आर यूजिंग कॉपर एज अ कैटलिस्ट, देन वी गेट फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल, HCHO. तो हियर इन केस ऐसा कोई भी रैंडम नहीं होगा कि कॉपर को उठा के फर्स्ट रिएक्शन में डाल दिया तो मिथेन गैस मिलेगा. नो, नेवर. और निकल को उठा के लास्ट रिएक्शन में डाल दिया तो क्या मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा? नो, नेवर. सो सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ केमिकल रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. CO रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कैटलिस्ट. कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो उसके हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी. So these are the small two topic, that is activity and selectivity. Let's move on to this most important part, shape selective catalysis, that is called zeolites. Shape selective catalyst, that is called by means of zeolites.
Zeolites are nothing but the honeycomb structure. Highest zeolites are available in Ganga River, and due to the reason Ganga is the purest water. बाकी सारे रिवर में से गंगा का पानी शुद्ध होने का एकमात्र रीजन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ जियोलाइट्स आर अवेलेबल इन द बैंक ऑफ गंगा. गंगा के किनारे हाइएस्ट जियोलाइट्स हैं. जियोलाइट्स इज यूज इन टू दिस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो इन आयन एक्सचेंज कैटलिसिस ऑल्सो. स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 9 का जो पार्ट था हार्ड वाटर वाला, उसके अंदर एक पार्ट हमने पढ़ा था, दैट इज आयन एक्सचेंज. आयन एक्सचेंज के अंदर हमने पढ़ा था जियोलाइट्स. सो जियोलाइट्स का सर यहाँ पे क्या काम है? तो जियोलाइट्स नाउडेज यूज्ड इन टू दिस इंडस्ट्री आल्सो. बेस्ट वन मार्कर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, इवन कॉम्पिटिटिव गुड सेट में भी 2 से 3 बार पूछा हुआ. लास्ट पैराग्राफ में है ZSM5. रिलायंस हजीरा इज मैन्युफैक्चरिंग दिस ZSM5 इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट बिकॉज टू कन्वर्ट अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग गैसोलीन, पेट्रोल एंड डीजल में कन्वर्ट करने के लिए. So zeolite, that's why it is really very important. Zeolites having a honeycomb structure. The catalyst reaction that depend upon the pore structure. Honeycomb, आप सभी को पता है, that is porous material. Pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalysis. Zeolites are the good shape selective catalysis because of their honeycomb like structure. They are microporous. किससे बना होता है? Most important MCQ. Alumino silicate with the 3-dimensional networks of the silicate in which some silicon atoms are replaced by this aluminum atom. 3 से 4 अलग अलग MCQ prepare हो सकते हैं इसमें से. सबसे पहले microporous dash, that is alumino silicate with which kind of structure? 3-dimensional network structure of किसके? Silicates के. In which of the silicon atom are replaced by which metal? Aluminum atom. So once again, ये line बहुत ही important है, बहुत सारे MCQs के साथ जुड़े हुए. They are microporous alumino silicates with the 3-dimensional networks of silicate in which some silicon atoms are replaced by the aluminum atom. They contain ALOSI framework. Once again, one MCQ. Kaisi framework hogi? ALOSI framework. The reaction taking place in zeolites depend on the size and shape of the reactant and product molecule as well as upon the pore size of this cavity of the zeolites. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि पोर के अंदर कैटलिस्ट, पोर का काम क्या है कैटलिस्ट का? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की साइज उसके ऊपर डिपेंड करेगी. ज्यादा बड़ी साइज होगी पोर की तो भी काम का नहीं है, छोटी साइज होगी तो भी काम का नहीं है. दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज द प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. नेचर में भी फाउंड होते हैं, मैंने बताया गंगा के किनारे हाइएस्ट मिलेंगे आपको, एंड आर्टिफिशियली में सिंथेसिस भी कर सकते हैं. रिलायंस हजीरा प्लांट इज मैन्युफैक्चरिंग दिस. Zeolites are used into the catalyst in petrochemical industry. Most important one marker question for the cracking of hydrocarbons and the isomerizations. An important zeolite is used into this petroleum industry is ZSM5. This is the code ZSM5. It converts alcohol directly into the gasoline by dehydrating them and give a mixture of hydrocarbon. Petrol and diesel is nothing but the hydrocarbon only. So this is all about your most important 2-marker question and many short question, 1-marker and MCQ in this paragraph. So ye acche se prepare kar lijiyega. Shape selective catalysis, that is zeolites. Without wasting much time, we immediately moved on to this next part, that is called as enzyme catalysis. So let's start with the enzyme catalysis. Enzymes are the complex nitrogenous organic compound which are produced by these living plants and animals. They are actually the protein molecules of the high molar mass. They are very effective catalysts and catalyze the numerous reaction taking place in plants and animals.
बेसिकली एंजाइम बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर भी कैटलिस्ट चाहिए। तो बेसिकली एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी बुलाया जाता है। एंजाइम आर ऑल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट। बायो मीन्स बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इज नोन एज बायो कैटलिस्ट। आपको लगेगा सर बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यस बॉडी के अंदर भी रिडक्शन होता है, बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, बॉडी के अंदर भी हाइड्रोलिसिस होता है, बहुत सारी चीज बॉडी के अंदर केमिकली होती है। उस सभी को कैरिड आउट करने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए। सो दैट इज एंड ऑल अबाउट योर एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिसिस एंड द फिनोमिनन इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। शायद आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इसीलिए नीचे तीन या चार एग्जाम्पल आप लोगों के लिए छोड़े हुए हैं। दैट इज एंजाइम, कैटालिटिकल एंजाइम रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होते हैं वो कौन कौन से है। डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूं, कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध में से दही बनाने का प्रोसेस कैसे बनेगा। बेसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोस दूध के अंदर होता है, तो लैक्टोबैसिलस ये बन गया आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बन गया आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क के अंदर। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, लेट स्टार्ट डिस्कसिंग अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटालिटिकल रिएक्शन। लेट स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। फर्स्ट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, आप सभी को पढ़ने पड़ा था बायोमोलिक्यूल के अंदर भी। द एंजाइम इन्वर्टेस कन्वर्ट केन शुगर इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो केन शुगर प्लस H2O यू गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू इथाइल अल्कोहल। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए कौन सा यूज होता है, जाइमेस। सो दैट इज ग्लूकोज अंडरगोज जाइमेस, यू गेट 2 moles ऑफ इथेनॉल। थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू माल्टोज। प्रिपरेशन में भी ये पढ़ा था, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करिए इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज, यू गेट माल्टोज। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इंटू द ग्लूकोज, सो माल्टोज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। अब आप सभी के अंदर कॉमन देखा, ASE इज अ सफिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। सबसे पहले इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज, यूरेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ये सारी के सारी स्पीशीज के पीछे ASE लगेगा। दैट इज अ कॉमन सफिक्स फॉर एंजाइम। सो हम लोग पढ़ रहे थे माल्टोज कन्वर्ट टू द ग्लूकोज। एंड लास्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यूरेज, जो बॉडी के अंदर यूरेज होता है वो यूरिया को कन्वर्ट करता है एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम कैटालिसिस। सो बेसिकली एंजाइम कैटालिसिस है क्या, एंजाइम कैटालिसिस आर नोन एज बायो कैटालिसिस। बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, और रादर देन केमिकल की जगह पे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। सो एंजाइम्स का सफिक्स क्या था, ASE। एग्जाम्पल इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज एंड यूरेज। So this is all about your enzyme catalysis. Next session is really very most important session. Next session के अंदर हम पढ़ने वाले हैं characteristics of enzyme, जो अगर enzyme भी catalyst की तरह body के अंदर काम करता है तो वो catalyst के सारे characteristics भी follow करना चाहिए। कौन कौन से, temperature है, pH है, उसके अंदर भी promoters and poison होने चाहिए, it also required in a small quantity. So these are the stuff that we have to discuss in next class and followed by enzyme catalytical reaction. So enzyme catalytical reaction and characteristics of enzyme next class mein dekhenge. So this is all about your today's session. Thank you.